हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट रेशो के ऊपर। इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है, उससे पहले आपको समझना होगा रेशो क्या होती है। तो मैंने उसकी दोनों वीडियोस, रेशो से रिलेटेड दो वीडियोस दी हैं जो कि मेरे लिंक में हैं, आप देख सकते हैं। पहले आप उसको देखें, फिर आप इस टॉपिक को देखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए कि इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है। तो रेशो क्या होती है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोज़ के अंदर, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फिर आपको रेशियो की समझ आएगी कि रेशियो क्या होती है। उसके बाद आपको समझ आएगी कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है। इक्विवेलेंट जो रेशियो है, ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेशियो में आपको ये पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट करो वेदर द रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। कुछ रेशियोज दी जा सकती हैं और कहा जा सकता है कि इनमें से बताओ कि इक्विवेलेंट रेशियो ये हैं कि नहीं। या फिर आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि टेल मी फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेशियोज आर इक्विवेलेंट। कुछ ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, और आपको ऑप्शन में एमसीक्यूज में आ सकता है कि इस रेशियो के इक्विवेलेंट बाकी इन ए बी सी डी में से कौन कौन सी इक्विवेलेंट हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेशियो से रिलेटेड आएंगे, या फिर डिफाइन इक्विवेलेंट रेशियो, गिव सम एग्जाम्पल्स। तो आपने उसकी किस तरह डिफाइन करना और किस तरह एग्जाम्पल्स देने, वो आज के टॉपिक में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो से रिलेटेड दो तीन डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इजी। मैं इधर यहाँ पे सिर्फ दो बताऊंगी क्योंकि मेरा लेक्चर शॉर्ट होता है। फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल है, जो कि है टू रेशियोज आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। दो रेशियोज को आप इक्विवेलेंट कहेंगे इफ वन कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी रिटन, आप लिख सकते हैं एज मल्टीपल ऑफ द अदर। यहां से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अगर एक रेशियो को हम दूसरी रेशियो का मल्टीपल लिखते हैं, या फिर लिखते हैं कि एक रेशियो एक्सप्रेस इस तरह कर देंगे दूसरी रेशियो का मल्टीपल है, तो वो दो रेशियोज इक्विवेलेंट होंगी। ये डेफिनेशन हमें कह रही है। जब हम एग्जांपल करेंगे आपको डेफिनेशन ज़्यादा समझ आएगी। लेट्स सपोज आपके पास एक रेशियो है ए बी और एक रेशियो है सी डी, और आपको कहा जाता है ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट कब होंगी, अगर लेट्स सपोज सी डी को मैं कह दूँ कि सी डी जो है वो मल्टीपल है ए बी का। सी डी ए बी का मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर ए को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ लेट्स सपोज थ्री से, और बी को भी मैं सेम नंबर थ्री से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से थ्री ए और यहाँ पे आ जाएगा थ्री बी, और लेट्स सपोज थ्री और थ्री बी ही सी और डी की वैल्यू है। तो मैं कह सकती हूँ कि सी डी क्या है, मल्टीप्लाई ए बी का, ए बी को मैंने मल्टीप्लाई करवाया सेम डिजिट्स के साथ और सी डी मेरे पास वैल्यू आ गई, तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी और सी डी आपस में इक्विवेलेंट है। ज़रूरी नहीं कि सी डी ही इसका मल्टीपल होगा, ए बी भी इसका मल्टीपल हो सकता है। तो आपने इसको वाइस वर्सा उल्ट कर लेना है। जैसे मैंने सी डी को इसका मल्टीपल बनाया, आप ए बी को सी डी का मल्टीपल बना सकते हैं। किस तरीके से, सी डी को मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी सेम नंबर से, और आपको अगर ए बी की वैल्यू आ रही है तो ए बी उसका मल्टीपल है। दोनों में से कोई भी मल्टीपल हो सकता है। दो रेशियोज हैं तो मैंने लिखा इफ़ वन कैन बी एक्सप्रेस्ड। वन का मतलब होता है कि या ये या फिर ये, एक्सप्रेस हो जाए एज द मल्टीपल ऑफ द अदर। अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये इसके मल्टीपल में एक्सप्रेस हो जाए, अगर इसको करेंगे तो इसके मल्टीपल में एक्सप्रेस हो जाए, तो फिर ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास है फोर नाइन और एट एटीन, आपको कहा जाता है कि ये दोनों बताएं कि इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो ये इक्विवेलेंट किस तरह है, आप क्या करेंगे, आप फोर एंड नाइन क्योंकि स्मॉल है एट और एटीन से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ और देखती हूँ क्या इसको मल्टीप्लाई करवाने से ये डिजिट बन रहा है मेरे पास। फोर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ किस नंबर के साथ करवाऊँ कि आठ बने टू है, तो फोर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ टू के साथ, तो नाइन को भी मुझे टू के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। ये ना हो कि आप फोर को टू के साथ करा दें, नाइन को एटीन बनाने के लिए किसी और के साथ करवाना है, तो आपने नाइन को भी सेम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फोर इंटू टू एट, नाइन इंटू टू एटीन। तो
क्या हुआ, मैंने 4 और 9 को जब मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, हमारे पास 8, 18 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 8, 18 मल्टीपल हैं 4, 9 के। अगर ये मल्टीपल हैं 4, 9 के, एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं एज ए मल्टीपल ऑफ 4, 9, तो फिर ये दोनों रेशियोज आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो ये थी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर का एक मल्टीपल शो कर दिया जाए रेशियोज में, तो दोनों रेशियोज आपस में इक्विवेलेंट होंगी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ। आपने कंसेप्ट लेना है, आप डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कंसेप्ट आपने, बस मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ। नेक्स्ट आप कह सकते हैं 2 रेशियोज या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर रेशियोज भी कह सकते हैं, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ बोथ कैन बी रिड्यूस्ड, या फिर सिंप्लीफाइड भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड सिंप्लीफाइड, टू सेम वैल्यू। 2 रेशियोज सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ बोथ कैन बी रिड्यूस सिंप्लीफाइड टू द सेम वैल्यू। अगर वो दोनों एक ही सेम वैल्यू पे रिड्यूस हो जाए या फिर सिंप्लीफाई हो जाए, तो उनको भी इक्विवेलेंट कहते हैं। दोनों डेफिनेशन ठीक है, आपको जो ईजी लगती है आप उसको चूज कर लें। मैंने यहाँ पे 2 आपको दिए हैं, 2 से ज़्यादा भी डेफिनेशन हैं। टेक्स्ट बुक्स पे, गूगल पे जाएँ आप, टेक्स्ट बुक इंटरनेट एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत डेफिनेशन मिलेंगी। जो आपको ईजी लगता है आप वो चूज़ कर लें, लेकिन कंसेप्ट आप पकड़ें। 2 रेशियोज को हम इक्विवेलेंट कहते हैं अगर वो दोनों ही रिड्यूस हो जाए या फिर सिंप्लीफाइड हो जाए एक सेम वैल्यू को, तो उनको भी हम इक्विवेलेंट कहते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन इक्विवेलेंट रेशियो की। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास 8 और 12 एक रेशियो है और एक रेशियो है 4, 6। हमें देखते हैं क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर इक्विवेलेंट हैं तो दोनों सिंप्लीफाइड होंगी सेम वैल्यू पे। अब आपने क्या करना है, पहले 8 और 12 को पकड़ लें चेक करने के लिए, देखते हैं इसको। आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करना है, रेशियोज को मैंने आप एक वीडियो, अपनी प्रीवियस वीडियो मैंने यही थी हाउ टू सिंप्लीफाई द रेशियोज, तो आपने अगर वो नहीं देखी तो आप लिंक में दे रही हूँ, आप देखें आपको पता चलेगा सिंप्लीफाई कैसे करना। मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 8 और 12 है, आपने सबसे पहले क्या करना है, 8 और 12 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो 8 है जो लेफ्ट पे होगा वो न्यूमरेटर बनेगा और जो राइट पे होगा वो डिनोमिनेटर बनेगा। 8 और 12 फ्रैक्शन में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 8 को भी सेम नंबर से डिवाइड करना है जिससे 12 को करना है। तो लेट्स सपोज हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6। अगेन हम 2 पे डिवाइड करते हैं दोनों को सेम से, ये नहीं कि ऊपर 2 के साथ नीचे 3 के साथ, सेम के साथ करना है 2 और 3। अब हम फर्दर 2 को डिवाइड, 2 पे तो कर सकते हैं लेकिन 3 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हमने यहीं पे इसको रोक देना है। अब यहाँ पे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम नहीं कर सकते। सेकेंड आपने 4 और 6 को पकड़ लेना है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखना है, फिर 4 को डिवाइड करना है 2 पे, 6 को डिवाइड करना है 2 पे, सेम नंबर से डिवाइड किया 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 3, ये भी आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब जब आपने देखा कि दोनों रेशियोज को आपने कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया, इससे ज़्यादा ये रिड्यूस या फिर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो आपने देखना है क्या नंबर आया है, 2/3, 2/3। इसका मतलब इसकी रेशियो क्या बनी है 2, 3, इसकी रेशियो क्या बनी है 2, 3, सेम वैल्यू आ गई। अगर 2 रेशियोज आपके पास गिवन हो और दोनों को आप रिड्यूस करें या फिर सिंप्लीफाई कर दें, करने के बाद आपके पास सेम वैल्यू आ जाए, तो वो दोनों रेशियोज आपस में इक्विवेलेंट होंगी। दीज 2 रेशियोज सेट टू बी इक्विवेलेंट, ये हमारे सेकंड डेफिनेशन कह रही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्वेश्चन क्या आना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी क्वेश्चन क्या आना है। तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये आएगा, हाउ टू चेक वीदर 2 रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आएगा कि आपने चेक करना है कि क्या 2 रेशियोज इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है। लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने 9
27, 27, 81। और कहा गया है कि आपसे कि चेक करें कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। आपको इन दो डेफिनेशंस के, इन दोनों डेफिनेशंस के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने ये कराई थी कि एक को दूसरे का मल्टीपल एक्सप्रेस कर दें तो इक्विवेलेंट है। सेकंड मैंने क्या आप दोनों को सिंप्लीफाई करें, सेम वैल्यू आ जाए, इक्विवेलेंट है। हम दोनों मैथड यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने पेपर में किस तरह करना है। 227, पहले मैं मेथड वन लगा रही हूँ जो कि डेफिनेशन वन का मेथड था। वो क्या था कि इन दोनों को देख लें आप। 927, 27, 81। अब आपने देखना है छोटा कौन सा इनमें से। 927, 27, 81 से रेशियो छोटी है तो आप 927 को ले लेते हैं। 927 को हमने यहाँ पे देखना है कि क्या ये उसका, इसको किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए। आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 27 आपके पास आए। तो हमें पता है 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ तो वो 27 आता है। अब जिससे आपने 9 को मल्टीप्लाई करवाना है उसी से आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 के साथ अगर आप 9 को करवाएं, 27 को भी आपने 3 के साथ ही करवाना है। 9 3 times 27, और 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 81। इसका मतलब 27, 81 मल्टीपल है 9/27 का, या फिर हम कह सकते हैं 27:81 9:27 की मल्टीपल है। कैसे? अगर हम इस रेशियो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये वाली रेशियो आ जाती है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो आप कहेंगे यस, दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो। सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? सेकेंड मेथड जो हमारे पास था वो था, इनमें से आपको जो इजी लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों ही करवा रही हूँ। सेकेंड डेफिनेशन क्या थी कि रेशियोज दैट कैन बी रिड्यूस और सिंप्लीफाइड टू द सेम वैल्यू देन दीज दैट टू रेशियोज विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट। सेकेंड मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, 9:27 को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9:27 को हम इस तरह लिख लेंगे, और 9 को हमने डिवाइड करना है। 9 2 पे डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होता तो हम 9 को 3 पे चेक करते हैं। 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, होता है, तो हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, और 27 को भी डिवाइड करेंगे 3 के साथ कम्प्लीटली। 9/3, 3, 27/3, 9 अगेन ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 1/3। यहाँ पे आप डायरेक्टली 9 को डिवाइड कर सकते थे 9 पे भी, ताकि आपको डायरेक्ट 1 मिल जाता। तो 27 को भी आप 9 पे कर देते। अगर आप देखते हैं 9 पे हो रहा, 27 9 पे नहीं हो रहा, तो फिर आपने कोई और नंबर चेक करना था। लेकिन यहाँ पे हो सकता था, मैं डायरेक्टली इसके बाद एक स्टेप करने के बाद भी ये लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप इस तरह कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट डायरेक्ट कर दूँगी। सेकेंड क्या है, 27:81, इसको चेक करते हैं। 27/81, 27। अब आपने देखना है क्या 27 पे डिवाइड होता है तो कम्प्लीटली होता है। 81 27 पे डिवाइड होता है कम्प्लीटली, होता है। कैसे? 27/27, 1 81/27, 3। तो ये हमारे पास आ गया 1:3। इसका हमारे पास क्या आंसर आया था, 1:3। इसका मतलब जब हमने दोनों रेशियोज को डिवाइड किया या फिर रिड्यूस किया या फिर आप कह सकते हैं सिंप्लीफाई किया, दोनों ने सेम वैल्यू दी, इसका मतलब 9:27, 27:81 इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यस, दीज आर इक्विवेलेंट तो ये था मेथड हाउ टू चेक वीदर टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट। छोटा सा यह आर्टिकल है इक्विवेलेंट रेशियो से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे आपको जो भी एग्जांपल कराई वो है इक्विवेलेंट रेशियो। अगर आपको नहीं आंसर सेम आता तो आप कह देंगे कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज आपके पास 2:3 रेशियो है और एक आपके पास रेशियो है 6:17, और पूछा जाए क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो आएगा, लेकिन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 17 नहीं आएगा। इसका मतलब जब आपने
इनको मल्टीपल बनाने की कोशिश की तो ये मल्टीपल नहीं बने। अगर आप रिड्यूस करना चाहें तो ये रिड्यूस होती ही नहीं और ये रिड्यूस नहीं होगी, तो ये दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स आप बताएंगे कि इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो आपने इस तरह चेक कर लेना है। ये था मेरा आज का आर्टिकल, बहुत ही ईजी इक्विवेलेंट रेशियो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।